डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रथम वर्ष का जो आधार पाठ्यक्रम है उसका सेकंड पेपर, जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर। तो यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और आज हम इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे यूनिट थर्ड के एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यूनिट यदि सेकंड की तरफ चले तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनसिम पैसेज फॉलोड बाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अनसिम पैसेज को आप इजीली पढ़कर सॉल्व कर सकते हैं। और यूनिट थर्ड में देखने को मिलेगा बेसिक लैंग्वेज स्केल वोकैबुलरी बिल्डिंग, जिसमें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सफिक्स और प्रीफिक्स। और इसके बाद में आने वाले वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आगे जो भी दिए हुए टॉपिक्स उनको हम लोग समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सफिक्स और प्रीफिक्स। तो वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में चलते और हम पढ़ते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं और इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं? किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्द को हम प्रीफिक्स कहते हैं और किसी भी मूल शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्द को हम सफिक्स कहते हैं। अच्छा, सफिक्स और प्रीफिक्स का कन्फ्यूज़न कैसे याद रखेंगे? ए बी सी डी में पी पहले आता है तो जो पहले जुड़ेगा वो प्रीफिक्स, और एस बाद में आता है तो जो पीछे जो बाद में जुड़ेगा वो सफिक्स। इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं सफिक्स। अब इसमें आपके जो सिलेबस में जब आप पूरा इसको ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, नाउन सफिक्स, एडवर्ब सफिक्स, एडजेक्टिव सफिक्स, ये क्या है? पहले तो समझते सफिक्स क्या है। किसी भी रूट वर्ड के पीछे हम अगर कुछ पार्ट जोड़ देते हैं, रूट शब्द किसको कहते हैं, रूट वर्ड किसको कहते हैं, जिसका पहले से ही मीनिंग है, उसके पीछे हम कुछ नए वर्ड जोड़ देंगे। जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं डबल ई, डबल ई आर, इस प्रकार से बहुत सारे सफिक्स होते हैं, ई आर, आई ओ एन, आई एस एम, ये सफिक्स होते हैं। और ये सफिक्स होते दैट मीन्स ये किसी वर्ड के पीछे जुड़ेंगे। पीछे जुड़ने पर क्या होगा? पीछे जुड़ने पर वो एक नए वर्ड बनेंगे। वो नए वर्ड क्या बनेंगे? वो नए वर्ड नाउन हो सकते हैं, वो नए वर्ड एडजेक्टिव हो सकते हैं, वो नए वर्ड एडवर्ब हो सकते हैं। तो किसी भी सफिक्स के जुड़ने पर जो वर्ड नाउन बन जाता है वो नाउन सफिक्स कहलाएगा, किसी भी सफिक्स के जुड़ने पर जो एडजेक्टिव बन जाता है वो एडजेक्टिव सफिक्स कहलाएगा, और किसी भी सफिक्स के जुड़ने पर जो वर्ड एडवर्ब बनता है वो एडवर्ब सफिक्स कहलाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोटिसेबल हैं वो ये हैं कि आप इन सारे वर्ड्स को, जितना ये जो टेबल दी है बहुत ही शानदार सर ने प्रिपेयर करके आपके लिए रखी है बहुत मेहनत करके, तो इस टेबल को आप बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसमें किस सफिक्स का क्या मीनिंग है। आप इस टेबल का चार्ट देखेंगे तो पहले सफिक्स दिया है, देन उसका मीनिंग दिया, देन एग्जाम्पल दिया है, तो आप ये पूरा रीड कर लीजिएगा। इसको अगर हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो की लेंथ काफ़ी हो जाएगी। तो ओनली इसको आपको रीडिंग करना और कुछ भी नहीं, इसमें आप दिमाग लगाना है आपको। ये एडजेक्टिव सफिक्स मतलब किसी एडजेक्टिव के सफिक्स के जुड़ने पर जब एडजेक्टिव बनता है, फॉर एग्जांपल जैसे आई बी एल ई जोड़ रहे हो आप, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? प्रिवेंटेबल, एडाप्टेबल, प्रिडिक्टेबल, क्रेडिबल, तो ये सारे वर्ड एडजेक्टिव वर्ड है। तो इसी प्रकार नाउन बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं, एडवर्ब बनते हैं। ये स्लाइड को आप पोज करके पूरा इसको रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं प्रीफिक्स पे। अगर हम प्रीफिक्स की बात करें, प्रीफिक्स का इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स का भी पहले मैं समझा देता हूँ साथ में। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो किसी भी वर्ड के पहले जुड़ते हैं, यानी कि बिगिनिंग में जुड़ते हैं, बिफोर में जुड़ते हैं, वो प्रीफिक्स होते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं उनको देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। आप जब इस टेबल को पढ़ेंगे और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव करेंगे तो कहीं आपको डिफ़िकल्टी फील नहीं होने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सफिक्स ऑफ विंड? अब आप ये सोचिए कि जो आपका जो विंड है या वाइंड, दोनों पढ़ सकते हैं इसको, इसके पीछे क्या लगेगा? तो जो बहुत ज़्यादा तूफान भरा मौसम होता है उसे बोलते हैं विंडी वेदर। तो इसका एडवर्ब क्या लगेगा पीछे? एबल नहीं लगेगा, फुल नहीं लगेगा, वाई लगेगा, तो हो जाएगा विंडी। यानी मीनिंगफुल वर्ड किसको लगाने पे बन रहा है ये चेक कर ले आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सफिक्स ऑफ स्पून? तो हो जाएगा स्पूनफुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सफिक्स ऑफ क्रूड? क्रूडनेस, इसमें नेस लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सफिक्स ऑफ इंजॉय? इंजॉयबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सफिक्स ऑफ सूट? सूटेबल। तो आप देखिएगा जो पीछे वर्ड लगते हैं, ये सारे वर्ड्स अभी पीछे लग रहे इसलिए इनको सफिक्स कहा गया,
क्लियर, ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सफिक्स ऑफ बुक, बुक के पीछे क्या लगता है, बुक लेट, तो लेट क्या हो गया यहाँ पर एक सफिक्स हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सफिक्स ऑफ पोलाइट, तो पोलाइटनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सफिक्स ऑफ एग्री, एग्रीएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सफिक्स ऑफ एक्साइट, एक्साइटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सफिक्स ऑफ इमेजिन, इमेजिनरी। अब इमेजिनरी में आप ध्यान रखिएगा, कई बार हम कुछ सफिक्स लगाते हैं तो उनके में से कुछ हटाते भी सही, जैसे इमेजिन में लास्ट में ई आ रहा है, तो अधिकतर बहुत सारी जगह आप देखेंगे कि अगर आप आई वगैरह ऐसा कुछ लगा रहे हैं तो ई होता है तो ई को हम रिप्लेस कर देते हैं, ई को हम हटा देते हैं। तो इमेजिनरी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आई एम ए जी आई एन ए आर वाई, इसमें से ई को अपन हटा देंगे और ई की जगह पूरा क्या लगा देंगे, ए आर वाई, और ए आर वाई हमारा क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। ये भी इसी पे बेस्ड है। चूज़ द एप्रोप्रिएट सफिक्स फॉर द वर्ड, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। स्कॉलर, स्कॉलर में क्या लगता है, स्कॉलरशिप, बस ओनली रीडिंग मांगता है, कुछ नहीं। लॉन्ग में क्या लगेगा, लॉन्गिन नहीं होता है, लॉन्गेन नहीं होता है, लॉन्गोर नहीं होता है, लॉन्गर होता है, तो जो करेक्ट वर्ड है वो क्या है, ई आर। इस प्रकार आप चेक कर ले कि कौन सा सूटेबल वर्ड बन रहा है। वायलिनिस्ट, थर्ड वन। नंबर फोर, वीकली। नंबर फाइव, चाइल्ड लाइक। अगर चाइल्ड की यहाँ हुड भी होता है तो चाइल्डहुड भी होता है, बट हुड यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो चाइल्डहुड या चाइल्ड लाइक दोनों मीनिंगफुल वर्ड है। जॉयस, ओ यू एस लग जाएगा। जेनेटिक, टिक लग जाएगा। तो ये जितनी भी वर्ड्स आप पीछे हैं ये सारे सफिक्स हैं। नेक्स्ट वन, मॉडर्न, मॉडर्न में ईटी लग जाएगा, मॉडर्निटी। प्योर में प्योरिटी, जैसा कि अभी हमने बताया था कि ई को यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट होगा, पी यू आर आई एफ वाई, इसमें ई हटाएंगे और ई की जगह पूरा क्या लग जाएगा, आई एफ वाई, दैट मीन्स ई विल बी रिप्लेस बाई आई एफ वाई, एन आई एफ विल बी, आई एफ वाई विल बी आर सफिक्स। प्रीफिक्स, डियर स्टूडेंट मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्रीफिक्स यानी कि जो किसी रूट वर्ड के, किसी मूल शब्द के पूर्व में लगने वाले, पहले लगने वाले, बिफोर में लगने वाले, बिगिनिंग में लगने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। अ लेटर अर ग्रुप ऑफ लेटर दैट यू पुट एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स सेम जो आप सफिक्स का चार्ट देखा है, सर ने बहुत ही मेहनत से, जो कि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट लेता हूँ तो मुझे पता है कि बहुत ही मेहनत से बनता है ये चीज़ें, आप कॉम्प्लिकेटेड है बुक्स में बहुत मुश्किल से आपको ढूंढने पर मिलेगी, और बहुत ही मेहनत करके आपके लिए इतने अच्छे से प्रीफिक्स सफिक्स की टेबल लेकर आए, और एक छोटे से वीडियो के रूप में आपके सामने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए रखा है, तो बहुत ही शानदार सर की मेहनत इसमें दिख रही है। तो मैं आपसे स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर से एक बार पढ़िएगा, ये बहुत मेहनत का काम है। तो मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ, आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, ओनली बस इसको रीड करना, और कुछ भी नहीं, जो मेन समझाने जैसी चीज़ थी हम समझा चुके हैं। इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। प्रीफिक्स इज प्लेस्ड एट द ऑफ अ वर्ड टू मॉडिफाई और चेंज इट्स मीनिंग, प्रीफिक्स को कहाँ रखा जाता है, तो बिगिनिंग में रखा जाता है, रूट वर्ड के बिगिनिंग ऑप्शन हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द वर्ड इम्पॉसिबल इज द प्रीफिक्स, अब इम्पॉसिबल वर्ड के अंदर प्रीफिक्स क्या है, तो पॉसिबल एक रूट वर्ड है, इसका मीनिंग ऑलरेडी होता है, इसके आगे आई एम जो लगा हुआ है वो इसमें प्रीफिक्स है, तो आई एम इसका प्रीफिक्स हो गया। इन वर्ब्स लाइक रिपीट एंड रीराइट द प्रीफिक्स री मीन्स, री का मतलब क्या होता है आपको पता है, री का मतलब होता है अगेन, रीटेस्ट होता है, रीस्टार्ट होता है, रीचार्ज होता है, ठीक है, तो री का मतलब क्या होता है, अगेन। इन एडजेक्टिव्स लाइक ओवर कुक्ड एंड ओवर प्राइज्ड द प्रीफिक्स ओवर मीन्स, ओवर का मतलब क्या होता है, मोर देन यूजुअल, जो जनरली होता है उससे ज़्यादा, उसको हम कहते हैं ओवर, हम बोलते टाइम ओवर हो गया, ठीक है, इस तरीके से, तो दैट मीन्स वो जो यूजुअल होना चाहिए उससे ज़्यादा लेवल हो जाता है, तो उसको हम ओवर कहते हैं। नेक्स्ट वन, द नाउन नो स्मोकर एंड नो पेमेंट आर द अपोजिट ऑफ द नाउन्स स्मोकर एंड पेमेंट, ठीक है, नॉन स्मोकर एंड नॉन पेमेंट किसके अपोजिट है, स्मोकर और पेमेंट के अपोजिट क्या हो जाएंगे, नॉन स्मोकर और नॉन पेमेंट, तो इनमें भी जो नॉन वर्ड है वो क्या एक प्रकार का प्रीफिक्स है। पीपल, ये क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछ लिया, बट आपको पता होना चाहिए, आप इसको पूरा अगर पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर आपने प्रीफिक्स को अगर अच्छे से समझ लिया तो कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी वे से अगर वो पूछ रहा है तो आपको समझ में आएगा, 360 एंगल से वो कैसे भी घुमा के पूछे आपसे, आपको आना चाहिए। पीपल आर गवर्नमेंट्स दैट वॉन्ट्स टू स्टॉप आर लिमिट पीपल फ्रॉम माइग्रेटिंग टू देयर कंट्री आर सेड टू बी एंटी माइग्रेशन।
यानी लोग एक जगह से दूसरे के माइग्रेट करते जाते हैं, तो उसको रोकने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, माइग्रेशन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटी माइग्रेशन। द डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट बाई मशीन्स लाइक बुलडोजर्स इज कॉल्ड डीफॉरेस्टेशन। बुलडोजर चलाकर अगर बड़े बड़े जंगलों को नष्ट किया जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती, डीफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन किसको कहते हैं, जंगल को लगाना, और जंगल का विनाश करने को कहते हैं डीफॉरेस्टेशन। व्हाट डज द प्रीफिक्स सब इन द वर्ड्स लाइक सब हेडिंग, सब टाइटल एंड सब जीरो मीन, इनका मतलब होता है बिलो। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द प्रीफिक्स प्री इन द वर्ड्स लाइक प्रिपेड, प्रीटीन एंड प्री हिस्टोरिक मीन बिफोर। नंबर 10, व्हाट डज द प्रीफिक्स पोस्ट इन द वर्ड्स लाइक पोस्ट पेड, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पोस्ट वार मीन, दैट मीन्स आफ्टर। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हो तो कब करते हो, आप बाद में करते हो, यानी वो आपकी बाद की डिग्री होती है, तो पोस्ट वर्ड का एक्चुअली मीनिंग होता है बाद में या आफ्टर। चूज द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड्स। लीगल के लिए प्रीफिक्स क्या आएगा, इलीगल, आईएल लग जाएगा आगे। डायरेक्टली क्या जाता है, इनडायरेक्ट। बहुत ज़्यादा आपको लॉजिक सोचना नहीं, डायरेक्टली आप इसको लर्न कर लेके मीनिंगफुल वर्ड कौन सा। मिसबिहेव का क्या हो जाएगा, एक्चुअली इसमें बिहेव होना चाहिए, यहाँ पर क्या कर दिया, बिहेव होना चाहिए, प्रिंट थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ बिहेव होना चाहिए, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मिसबिहेव। एडजस्ट का, एडजस्टेड, एम एल, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। नंबर 5, विजिबल, इनविजिबल, पैड, प्रीपेड। 4C, इसमें 4, कॉल, रिकॉल, हैप्पी, अनहैप्पी, वाइज, अनवाइज। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साथ में लेक्चरर FS मीणा सर। तो ये पूरा जो प्रीफिक्स और सफिक्स का वीडियो था, ये इनके द्वारा हैंडल किया गया था। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमारे सर की मेहनत आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स स्टूडेंट्स, नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।